थाने पहुंचने से पहले ये शख्स वहां मिल गया। इतनी मेहनत लगी इसके पास आने में। नहीं, हमारे लिए बस एक ले ले। चलो ये भी सही लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये रेड भी। मुझे इसकी शॉर्ट कुर्ती बनाने जो काफी ट्रेंड में चल रही है। उसके बाद यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर की लेस ली और लेस भी यार क्या गजब की मिल रही थी, जो आपी ने नहीं ली क्योंकि आपी का साइज। उसके बाद आपी ने थोड़ा बहुत अपने घर के लिए बर्तन वर्तन लिए थी, आपी ने चूड़ी ली वो भी मैरून, डार्क मैरून कलर की। देखो देखो अब कितने अमीर है। बस इतना फ्राई कर लेना कि हमारी जो सब्जी है इसका कच्चापन निकल जाए, इसमें ऐसे जो उबाल आ जाए ना, तब आप अपनी मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर देना। कैसी है? अच्छी। सच में? हाँ, अम्मी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली ब्लॉग। सो मैं हूँ इकरा। सो कैसे हो आप सब? सो अभी मैं अम्मी जी जा रहे हैं बाज़ार। मैंने आपको बोला था ना मुझे अभी कपड़े सिलवाने, तो मैं अपने लिए कपड़ा लेने जा रही हूँ, कुछ अच्छा सा और बहुत अच्छे ड्रेस सिलवाने वाली हूँ। ड्रेस के एक प्यारी सी कुर्ती सिलवाने वाली, तो उसके लिए जा रहे हैं। और हमें कोई रास्ते में भी मिलने वाला है, तो वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा कौन मिलेगा हमें रास्ते में। तो अम्मी जी नहीं जा रही थी, बस मैं जा रहा था और वो जा रही थी, बट अब अम्मी जी भी कह रही हैं जाने के लिए, क्योंकि अम्मी को सामान लेके आना, सब्जी वगैरह भी लेके आनी है। तो जल्दी से फटाफट से ना फ्राइडे बाज़ार चलते हैं और वहाँ पे मिलेंगे। हमारे पहुँचने से पहले ये शख्स वहाँ मिल गया और मैं बहुत पीछे ही मैंने ना उसको देख लिया था। इतनी मेहनत लगी इसके पास आने में। ऑफकोर्स आप भी हो गए, और कौन यहाँ पर मैं शॉपिंग टिश्यू पेपर ले रही है, ये हमारे बहुत काम आता है। नहीं, हमारे लिए बस एक ले लें। हाँ, बाजार में स्प्रे बॉटल मिल रही थी, तो ये मुझे काफ़ी महंगी लगी इसके हिसाब से, तो मैंने नहीं ली। मेन चीज़ यहाँ पे मैं कपड़ा देखने के लिए आई थी, जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हाँ देख लो, ये भी सही लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये रेड भी। इतने सारे डिज़ाइन देखने के बाद मैंने फाइनली ये वाला डिसाइड किया। एकदम अलग सा कलर है, ये मेरे पास है भी नहीं, और अच्छा कपड़ा है बहुत। इसे मैंने 2 मीटर लिया क्योंकि मुझे इसकी शॉर्ट कुर्ती बनानी, जो काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। और ये कपड़ा बहुत अच्छा, कॉटन एंड जॉर्जेट टाइप में मिक्सर, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर की लेस ली, और लेस भी यार क्या गजब की मिल रही थी ना वहाँ पे। और यहाँ पे मैं अभी शॉपी अपने लिए जूती देख रही थी, जो आपी ने नहीं ली क्योंकि आपी का साइज़ नहीं मिला। थोड़ी यहाँ पे पिन वगैरह ली मैं भी शॉपी ने अपने लिए, क्योंकि उसको वीडियो में यूज़ करनी है। और यहाँ पे फिर उसके बाद आपी ने थोड़ा बहुत अपने घर के लिए बर्तन वर्तन लिए, जो उसको लेने थे। फिर उसके बाद आपी को एंड में चूड़ी लेनी थी, आपी ने चूड़ी ली वो भी मैरून, डार्क मैरून कलर की। सो यस, घर पर तो आ चुके हैं। रस्ते में से अम्मी जी ने यह इमली ली थी और ये खाने के लिए लिए थे। इमली इसकी अम्मी चटनी बनाएंगी, और इन लोगों ने ये लिया था जब अम्मी जी प्लेट्स ले रही थी, तो ये भी ले लिया था। और बस आपी ने भी अपना आधा सामान अपना जो उसने लिया था उसने वो रख लिया। इतनी देर लगाई ना वहाँ पे इन्होंने, इतनी ज़्यादा देर लगाई है, पूरा बाजार घुमाया, इतना थका दिया। 2 बार तो खो भी गए थे। मैं आगे आगे चल रहा हूँ, अम्मी और आपी पीछे, बल्कि आवाज़ तक नहीं दे रही मेरे को कि रुक जा अभी हम कुछ ले रहे हैं, आवाज़ नहीं दे रही। मैं आगे आगे चलता जा रहा हूँ, ये पीछे के पता नहीं कहाँ की कहाँ टी हुई थी। सो यार अभी ना इस टाइम पे लग रही है मुझे भूख, क्योंकि अभी 9:30 हो रहे हैं और मैंने अभी कुछ खाया भी नहीं, दोपहर से भी कुछ नहीं खाया था। और सब अभी ऊपर भी बैठे हैं, और मुझे मिली है यहाँ पे हमारे सीक्रेट बॉक्स में, मुझे मिला है यहाँ पे मैक्रोनी। तो मैं सोच रही हूँ मैक्रोनी बनाने के लिए, और अप्पी भी आई हुई अपनी लाइफ में। गाइस, मैंने आज तक मैक्रोनी नहीं बनाई, मुझे ये भी नहीं पता कि मैक्रोनी बनती कैसे। खाई बहुत है और खाता रहता हूँ, पर ये नहीं पता कि मैक्रोनी बनती कैसे। तो यार मैं नहीं देखने जा रही यूट्यूब वीडियो पर, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जैसे मैगी बनाती हूँ ना, उसी स्टाइल में ना मैक्रोनी बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आप सबके साथ भी वो रेसिपी शेयर कर देते हैं, मे बी क्या पता अच्छी बन जाए। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं कह दूँगी बना लो बना लो, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो मैं आपको मना कर दूँगी। सो यस, चलो हम ना मैक्रोनी बनाते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर पानी ले लेना, उसको थोड़ा सा ना गर्म करने के बाद यहाँ पे हमें ऑयल ऐड करना है, कि मे बी मैक्रोनी ना चिपके। इसलिए ये मुझे इसलिए याद है, मैंने महवी शापी को एक बार डालते हुए भी देखा है, इस वजह से ना। मुझे नहीं पता कितना डालना है, तो मैं तो बस भर रही हूँ, 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका वाटर ऐसे बॉईल होने लगे, इसमें बैलून आने लगे, तो आप डाल देना मैक्रोनी जितनी आपको इसमें बनानी है, उसके हिसाब से डालना। मैंने तो इसमें पूरी 1 कटोरी भर के डाली है, गिरा हुआ भी हम डाल देंगे इसमें। मैं सोच रही थोड़ी सी और ऐड कर देती हूँ मैक्रोनी, इसी में डाल के कर देते हैं, कब ना पड़े, बेशक ज़्यादा हो जाए बट अच्छी बन जाए। उसके बाद हम ना यहाँ पे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 चम्मच है ना, नहीं 1 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है, इतना हम ऐड कर लेंगे। सब कुछ यार अपने हिसाब से ही रखना, बस इसी तरीके का करना। थोड़ा सा और डाल देते हैं, मुझे पता नहीं क्यों हर चीज़ कम ही लगती है। चलो जी, जब तक हमारी मैक्रोनी बॉईल हो रही है, जब तक हम निकालते हैं अपने वेजिटेबल्स, और पता नहीं है या नहीं हमारे घर पे
पता नहीं, देखता है मेरी किस्मत ऐसी है, नहीं मिलता मैं जब भी ढूंढता हूँ तो। और वैसे हमारे घर पे रखी रहेगी, कोई मसला नहीं है, जब मुझे चाहिए होती है ना तो मुझे मिलती नहीं है। क्या ये भी डालते हैं क्या, लौकी भी डालते हैं क्या मैकरोनी में, पता नहीं मुझे। यस, ये मैंने आज खरीदी थी, हम इसको ऐड करेंगे एंड टमाटो लेंगे। देखो हम कितने अमीर हैं, हमारे घर पे कितने सारे हैं, तो हम इसमें से एक ये ले लेते हैं, छोटू सा लेंगे, चलो इसको बाद में करते हैं। एंड मम्मी, हाय हाय, गिर गया। ये मेरे साथ ही होता है, नीचे पानी गिर गया सारा। मैक्रोनी फुल फ्लेम पे रख के कभी भी मत जाना, ये हाल होगा जैसा मेरा हुआ है। तो जो जो आपके घर में सब्जी हो आप वो ले लेना, मेरे घर में ये सब है, मैंने ले ली और थोड़ी थोड़ी सी ही ली है, तो जल्दी से हम इसको कट कर लेंगे। हमारी सब्जियां तो कट हो गई है, और बीच बीच में ना आप चेक करते रहना आपकी मैकरोनी बॉईल हुई या नहीं। ज़्यादा बॉईल मत करना क्योंकि बाद में पकेगी तो और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो बता नहीं यार ये नीचे से चिपक क्यों रही है इतनी ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने तो तेल भी डाला फिर भी। फिलहाल चलो अभी चेक करके देखते कि बॉईल हुई है नहीं। यहाँ हमारी मैकरोनी बॉईल हो गई है, ये देख सकते हो, थोड़ी हार्ड है, ज़्यादा नहीं लिटिल बिट, बट ऐसे ही रखना आप भी। इसके अंदर ना आप ऑयल ऐड करना, बड़े चम्मच में थोड़ा सा तेल लेना है, हाफ लेना है, और उसको इसमें डाल के गरम कर लेना है। फिर हम इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स डाल लेंगे, सारी वेजिटेबल्स एक साथ डालनी है और उसको अच्छे से मिक्स कर दो। मतलब ज़्यादा हमें वो नहीं करना है, इसको ब्राउन भी नहीं करना है, बस इतना फ्राई कर लेना कि हमारी जो सब्जी है इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें ऐड करेंगे अब यहाँ पे अपने मेन चीज़। अब सब कुछ आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, लाइक मिर्ची कितनी डालनी है, कितना स्पाइसी आप लोग खाते हो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं देखो 2 चम्मच डालने वाली हूँ क्योंकि हम स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, लो फ्लेम पे करना है, देखना बदतमीजी हूँ मैं, फुल पे कर रही हूँ। एंड हल्का सा ये क्या होता है, धनिया होता है क्या, हाँ जो भी, फिलहाल कुछ भी डाल दो यार, जो मिले वो डाल दो। एंड सॉल्ट कैसे भूल सकते हैं, सॉल्ट और मैगी मसाला ऐड कर देंगे पूरा। चलो मैं जल्दी से कर लेती हूँ वरना जल जाएगा। जब आपके मसाले वगैरह फ्राई हो जाए तो देखो मेरे बातें बातों में जल गई प्याज, जो भी है ऐसे वाटर ऐड कर देंगे। क्या मैकरोनी में ऐसे पानी ऐड करते हैं या नहीं करते ये मुझे नहीं पता है, सच में नहीं पता। मैंने बस मैगी की तरह कर दिया, बस इसमें ऐसे जो उबाल आ जाए ना तब आप अपनी मैकरोनी इसके अंदर ऐड कर देना, मुझे पता ही नहीं सच में ऐसे। और अगर आपको आती तो आप मुझे बताना मैकरोनी सही तरीके से कैसे बनती है। यहाँ मैंने अपनी मैकरोनी ऐड करती है, अभी जब तक इसका पानी नहीं सूखता जब तक इसको ऐसे थोड़ा बहुत चलाते रहना कि नीचे जले ना, मतलब लगे ना, चिपक ना जाए, फिर हमारी मैकरोनी बनके रेडी हो जाएगी। सो ये रही गाइस मेरी मैकरोनी जो मैंने बनाई है। ले बहन, अम्मी लोटी पूछ रही है कितनी रोटी खाओगी, अभी खाऊंगी। तो जा रही है तो तुझे क्या हो रहा है? नहीं बाबू मैं जाऊंगी, वो तो मैं कोई चला वो तो हमें पता है, बाहर देखियो बाहर क्या हमें पता है। अबे ले खाना जल्दी, काम लग रहे हैं। कैसी है? अच्छी बनी सच में? हाँ बढ़िया। हाँ चलो हम भी खा के देखते हैं। अच्छी लग रही है पर मिर्ची पता नहीं थोड़ी सी कम लग रही है, पर अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। यकीन नहीं हो रहा मैंने बनाई है, खा ले। मैंने इंस्टा पे रेसिपी देखी, अच्छी लग रही है, चलो जल्दी से खा के मिलता हूँ। हो गई है पागल, बच्चा पागल हो गया। मैंने ये जीजू के लिए भी थोड़ी सी पैक कर दी। सो यस गाइस मैं अभी शॉपिंग घर जा चुकी है, देखना मेरे कैसे दाना सूख गया, इतना दुख रहा है। आपी तो घर चली गई और अभी मैं इन्नू के साथ खेल रहा हूँ। हम आजकल घर घर स्कीप करके अब हम खेल रहे हैं ऑफिस ऑफिस। इन्नू ऑफिस में बैठी है और मैं इन्नू के ऑफिस में आया हूँ अपने लिए जॉब देखने के लिए, क्योंकि मैं जॉब लेस हो चुका हूँ गाइस। छो इन्नू का
ऑफिस में भी गाइज आ गई है चूलियाँ, तो देखो यार ऑफिस में कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा ऑफिस है कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। सो चलो यार यहाँ पे अभी हम ऑफिस खेलते हैं। अब मैं भी बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। आई होप आप सबके ब्लॉग पसंद आए और आई होप आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मैं ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी बनी थी मैक्रोनी, इसलिए। सो मेरी आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और मुझे कमेंट में बताना अगर आप लोगों ने ये रेसिपी देख के मैक्रोनी बनाई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी आपकी। मेरी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। सो चलो यार इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लव यू गाइस, बाय बाय।